और अब खबरें विस्तार से। थत्कीडी में बुधवार की सुबह गोलीबारी की घटना में कल्लू घोष को 4 गोली मारी गई, जिसकी मौत बाद में टीएमएच में इलाज के क्रम में हो गई। घटना के बाद थत्कीडी हरिजन बस्ती के लोगों का जमावड़ा टाटा मुख्य अस्पताल में लग गया। थत्कीडी में बुधवार की सुबह लगभग 7:15 में कल्लू घोष को गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों ने घायल कल्लू को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, मगर उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है। घटना आपसी रंजिश की बताई जा रही है। कल्लू घोष शराब का कारोबार करता था और कई लोगों से उसकी रंजिश थी। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि कल्लू घोष का फुआ का लड़का है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और वहां काफी समय तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि कैमरे के सामने किसी ने भी कुछ भी कहने से परहेज किया। मृतक कल्लू घोष के परिजन भी टीएमएच में मौजूद थे। कदमा थाना प्रभारी खुद घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने गोलीबारी के स्थान का मुआयना किया, जहां से 4 खोखे बरामद हुए हैं। उस स्थान पर रक्त के धब्बे का सैंपल भी इकट्ठा किया गया। मृतक के फुआ के लड़के पर शक जाहिर किया जा रहा है, पर उसके आवास पर ताला लगा हुआ था। आइए आइए उधर। संबलपुर से रूम है शादी। हम ब्लड रिलेशन। सुबह सुबह करीब 7 बजे धत्कीडी में कल्लू घोष को गोली लगने की सूचना मिली है। उनको अभी टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस संबंध में छानबीन किया जा रहा है कि उनके द्वारा गोली चलाई। कितनी गोली लगी है सर? अभी 4 गोली लगने की बात की आई है। ये भी बताया जा रहा है कि उसका चचेरा भाई कुआ का लड़का है। कुआ का लड़का है, इसकी सूचना मिल रही है। और आबकारी विभाग द्वारा एमजीएम थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। आबकारी विभाग द्वारा उत्पाद निरीक्षक क्षितिज भिंज की अगुवाई में बुधवार को एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी समेत अन्य क्षेत्रों में छापामारी कर अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान 10,000 किलो जावा महुआ जब्त किए गए हैं। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देशानुसार आज उन्होंने अवैध शराब बनाने के अड्डों के ऊपर अभियान चलाया, जो कि छोटा बाकी बड़ा बाकी क्षेत्र में आपके हैं, जो कि एमजीएम थाना क्षेत्र के अंदर में आता है। वहाँ पे आम बेड़ा कालाजोर छोटा बाकी बड़ा बाकी में 8 अड्डों को हम लोगों ने ध्वस्त किया। उन 8 अड्डों में से हमें 80 ड्रम जो कि लोहे और प्लास्टिक के दोनों ड्रम बरामद किए गए और 25-30 हमारे पास 25 लोहे के बड़े बड़े तसले जो हैं बनाने में काम आते वो आए और एल्युमिनियम के पाइप जो कि बनाने में प्रयुक्त होते हैं उनको उन्होंने जब्त किया है। इस पूरे प्रक्रिया में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से हमारी जो है वहाँ पे खुला मैदान था, तो दूर से ही देख के भाग गए और जांच पड़ताल के बाद अगर किसी का नाम आता जो कि अड्डा संचालकों का तो उनके ऊपर फरारी की कार्रवाई भी की जाएगी। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में बुधवार को अंग्रेजी विभाग द्वारा 12 छात्राओं को नए छात्राओं ने फेयरवेल दिया। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में बुधवार को अंग्रेजी विभाग की नई छात्राओं द्वारा फेयरवेल दिया गया। एमए और पार्ट 3 के 12 छात्राओं को केक काटकर एवं सफल करियर की कामना के साथ विदाई दी गई। इस दौरान विभाग की एचओडी डॉक्टर धंजल भी मौजूद थी। 15 बच्चे थे और सबने तो फिलअप नहीं किया है, कुछ ने ड्रॉप कर दिया है, तो 6 बच्चे हैं और बीए पार्ट 3 में 12 बच्चे। बेल्दी क्लब के जीएम अभिषेक बनर्जी समेत 2 की मौत हिमाचल में एक सड़क हादसे में हो गई। घटना से धत्कीडी KF4 फ्लैट स्थित उनके आवास में मातम पसरा है। हादसा हिमाचल में हुआ, जहां इनकी टवेरा कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में बेल्दी क्लब के जीएम अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी मित्र बाबूलाल बनर्जी और उनकी पत्नी श्रावणी और उनका पुत्र मौजूद थे। घटना में अभिषेक बनर्जी और श्रावणी बनर्जी की मौत हो गई।
जबकि अन्य घायल हैं। धतकीडी स्थित KF4 फ्लैट स्थित उनके आवास पर मातम पसरा है। अभिषेक के माता पिता शोक संतप्त है। हम एक्चुअली तो बिजी था, ये सब क्या बेटे उनका परिवार और उनका मैंने एक बेटा और बहू को लेके और उनका एक फ्रेंड और उसका उनका भी एक बेटा और मिसेस को लेके वो लोग 11 तारीख को पुरुषोत्तम में यहाँ से निकले थे। वो लोग शिमला मनाली चंडीगढ़ देहरादून बेहरादून तो पूरा उत्तराखंड घूम घूम के आने का था। तो कल सवेरे भी हमसे बात हुई, रात को भी 11:30 बजे तो बहन से भी बात हुआ। देवर सपोज टू वो लोग आज वो लोग निकल वो लोग चंडीगढ़ से शिमला से या मनाली से चंडीगढ़ आए आने का बात था। तो बात होने के बाद हम लोग ठीक है ऑल द बेस्ट है करके हुआ। तो आज सवेरे हमको करीब 8 बजे संभाले टेलीफोन भी वो बाबूलाल फोन किया, उनके फ्रेंड जो इंजर्ड हुआ उनका वो फोन किया कि ऐसा था वो सीरियस कंडीशन में, उसका मिसेस और मेरा बेटा अभिषेक दोनों सीरियस में है और उनका भी पैर टूट गया तो अपना केयर ले रहा है। तो मगर कंडीशन इज वेरी सीरियस। तो इतने ही बोल के क्या हम लोग एक सेंस आया, बोलते तो नहीं सेंस नहीं आया है। टाइम अपना मिस्टर आशीष माथुर लोग सब हमको क्लब में से फोन किया, क्लब में खबर आ गया हो गया था। तो क्लब में खबर हमको किया, हम जब वहाँ पहुँचे हमको तो यहाँ बोला कौनता था, अब हम रेडी था, हम यहाँ से क्लब में लेकर जाने में 5 मिनट लगता है। वहाँ गया तो अंदर में जब हम लोग बैठे तो बोलते 9